यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबला का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोरगमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधी ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा कि मैं बिन शहर पनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीनकर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे, और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं, शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इसराइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के, अर्थात इसराइल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इसराइलियों पर चढ़ाई कराएगा, और जिस दिन इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भुईडोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां
और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होंगी और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हरेक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी और मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।